सो सारा कुछ हमारा जो है वेजिटेरियन है, तो एक ही कड़छी के साथ सारा काम कर लेंगे। ये हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक की रोटी खूबसूरत नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अच्छे नहीं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज वाली ये जो वीडियो है, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसी वीडियो कभी पास्ट में बनाई है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है? एक्चुअली हमारे कुछ दोस्त कैलगरी विज़िट करने के लिए आए हैं US से। पहले उनका हमारे घर में आने का प्लान नहीं था, पर आज अचानक से उन्होंने कहा कि वो आने वाले हैं, तो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है मील प्रिपेयर करने के लिए। सो ये चने मैंने ना कल भी खोए थे हमारे खाने के लिए, तो इसकी अच्छी सी करी बना लेते हैं, बहुत ही प्यारी सी। वैसे भी जब मैं ये बनाती हूँ तो हस्बैंड कहते हैं कि मीट की करी जैसा फ्लेवर आता है। सो पहले थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटे में हम ये सारा काम कम्प्लीट करेंगे। थोड़ी सफाई करने के बाद मिलती हूँ आपको। सो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम तैयारी से मीज़ा प्लान बोलते हैं इसको, कि सारी चीज़ों को तैयार कर लेंगे क्या क्या बनाना है। अगर आप प्लान करते हैं तो आप लिख भी सकते हैं कि क्या मेन्यू है आपका, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सबसे पहले तैयारी कर लूँगी तड़के की, लाइक गार्लिक, जिंजर, अनियन, टमाटर, वो सारा प्रेपरेशन कर लेंगे, तब तड़के लगाने शुरू कर देंगे। एंड उसके बीच में जो समय बचेगा उसमें हम कटिंग का काम कर लेंगे। सो जल्दी से हमारा तड़का तैयार कर। यूजली मेरी फ्रिज में गार्लिक का पेस्ट होता है, पर आज नहीं था, पर लकीली मेरे पास ये गार्लिक क्लोव्स है जो मैंने कल छीले हैं। सो इसे यूज़ करेंगे हम लोग। तड़का तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। गोलगप्पे परौने ही रख लो, आप ही छुट्टियां ला हफ्ते हैं। मॉर्निंग टू ब्रेकफास्ट गोलगप्पे ना हो और की जाएगा। इतना पानी हैगा तो परौने का भी सड़ जाना। मेनू लगा बाहर रेड़ी तो इतना की देंदे हैं बहुत। तुहानू गोलगप्पे रेड़ी ते खड़े होके खाना वधिया लगदा या घर पैक करा के लिया के घर? रेड़ी ते वधिया लगदा ना, घर फीलिंग ही मर जांदी सारी। अलग अलग कौलियां जे काट के लाला वो पहनना। मैं ले आऊंगा यार कई जोड़ी कुड़ियां नू ते ओ उना दिना जे 90s जे कारी मिल रहे हुंदे ही बार बो कट खांदियां ही। सो आलू बीन्स की सब्जी मैं सोच रही हूँ इसमें बना लेते हैं। एंड इसमें हम बनाएंगे काले चने, एंड इसमें हम बनाएंगे पनीर, क्योंकि पनीर की सब्जी मैं थोड़ी सी बनाने वाली हूँ। सो लेट्स डू इट। सारा कुछ इकट्ठा ऑन कर लेते हैं। आलू बीन्स हमें बनाएंगे सरसों के ऑयल में, पनीर भी सरसों के ऑयल में ही बना लेते हैं, एंड काले चने को तड़का लगाएंगे ऑलिव ऑयल में, मस्टर्ड ऑयल। तो टमाटर को अभी मैंने क्रश नहीं किया है, टमाटर को क्रश कर लेंगे हम लोग जो, तो मैं उसमें से सामान निकाल लूँगी। और रबी केज में बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ तो थोड़ी कम ही बातें कर पाएंगे, फिलहाल लेटर हम लोग चिट चैट करेंगे कि क्या चल रहा है। अभी ये गर्म हो रहे हैं। सो मैंने आपको बताया था ना, मैंने सौंफ इसमें गलती से ऐड कर ली, उसको मैंने अलग से रख लिया, अभी इसमें जी रही है। फालतू मिस्टेक हो गई थी, गलती से मिस्टेक हो गया था। जिंजर हो या नहीं, सो 1 बजा है, मेरी कोशिश है कि सारा काम हो जाए मैक्सिमम 1 घंटे में ख़त्म। अभी 1:05 हैं। जब मैं तड़का लगाना शुरू करूँगी ना, इसके साथ बाकी की चीज़ें भी काट लेंगे, सब्जियाँ एंड ऑल, पर ये तड़का लगाने का काम शुरू कर देते हैं सबसे पहले।
सो सारा कुछ हमारा जो है वेजिटेरियन है, तो एक ही कड़छी के साथ सारा काम कर लेंगे। क्लीनिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑयल हो चुका है गरम, जल्दी से तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। सो अब हमारे तड़के चढ़ गए हैं स्टोव पे। हम लोग करते हैं सब्ज़ी काटने की प्रेपरेशन। बीन्स लकीली मेरे पास ऑलरेडी कटी हुई हैं, बहुत कम होता है क्योंकि बीन्स को काटना तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो फिर आपको इस सौखी चीज़ चूज़ कर लें जिसमें कम समय लगे। पर या मेरे पास बीन्स हैं, आलू को काट लेंगे, उसको बीन्स में ऐड कर देते हैं। एंड पनीर को काट लेंगे, एंड पनीर में ऐड करने के लिए कढ़ाई पनीर है, इसलिए मैं शिमला मिर्च तरह तरह के रंगों वाली काट के रख लूँगी ताकि लेटर आसानी हो जाए मेरे काम में। पनीर में जब गर्म पानी ऐड करते हैं ना हम लोग, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आपका पनीर बहुत हार्ड है, तो ट्राई दिस। एंड तड़के मैं तीनों एक को टाइम पे लगाने शुरू कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। बेसिकली सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं, बस कढ़ाई पनीर में मैं थोड़े से खड़े मसाले ऐड करती हूँ, बाकी सारा कुछ सेम होने वाला है।
सो ये कढ़ाई पनीर में मैजिक इंग्रेडिएंट डालेंगे, थोड़ी सी क्रीम, आईबॉल करने वाली हूँ ऐसे में, पर आप मुझे लग रहा है कि आधा कप डालेंगे। ओके, इसको करेंगे मिक्स। उसके बाद थोड़ी सी टमेटो केचप, उससे उससे स्वीटनेस आएगी इसमें, पर बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक 2 टेबल स्पून, दैट्स इट। इसे करेंगे मिक्स। अभी इसको कुक होने देंगे जब तक ये करी तेल नहीं छोड़ देती। जब ये तेल छोड़ेगी तब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। फॉर नाउ अब हम इसको कुक होने देते हैं थोड़ी देर। सो सारी सब्जियों के तड़के हो गए, कुकिंग का काम है अब बाकी। सो सारी सब्जियों के तड़के फिनिश हो चुके हैं। अब इस समय मैं सैलड भी प्रिपेयर कर लेती हूँ। आप 2-3 डिफरेंट काइंड का सैलड बना सकते हैं, पर मैं इतना ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ ये सिंपल सा सैलड बनाने वाली हूँ। सो कुकिंग का काम ऑलमोस्ट फिनिश है। मटर के पुलाव का तड़का भी मैं अभी से लगा दूंगी, देन आई एम फ्री टू डू रैंडम स्टफ। थोड़ा रिलैक्स मैं इसलिए फील कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये काम कर लिया है, पर मैंने थोड़ा थोड़ा शूट भी किया है। सो मुझे लगा कि अब यहाँ पे आगे बातचीत करने का समय है, कर सकती हूँ। अभी मैंने मटर वाले पुलाव चढ़ा दिया है कुकर। सब्जियाँ मेरी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी हैं, चने की करी थोड़ी कुक हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पेशल मील नहीं है क्योंकि वो बाहर का खाना खा खा के बोर हो चुके हैं, उनको सिंपल सादा देसी घर का खाना चाहिए, तो मैंने आलू बीन्स बनाए। अगर आपने कल वाले व्लॉग में या मे बी फ्यूचर में वो व्लॉग आएगा जिसमें हमने कल पास्ता बनाया था, तो मैंने गार्लिक वाली बीन्स बना ली थी। तो जब मैंने वो बनाई मुझे लगा कि ये बीन्स को काट के रख लेती हूँ, जिससे मुझे हेल्प होगी कि वो कटी हुई बीन्स से मैंने आज सब्जी बना ली है। एंड चने भी मैंने ऑलरेडी भिगोए थे क्योंकि गोलगप्पे बनाए थे, एक्स्ट्रा भिगो लेती हूँ ताकि करी बना पाए। सो यार चने की करी बनाएंगे सिंपल एंड थोड़ी अच्छी, तो अच्छे स्वादिष्ट, थोड़ा अच्छा स्वादिष्ट चने की करी बनाएंगे वैसे। और पनीर की मैंने अच्छी फैंसी सब्जी बना ली है, सैलड बना लिया है मैंने, ऑलरेडी रायता भी बना लिया है। एंड मैं थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ, घर की हालत ओके काइंड की है, बुरी नहीं है। एंड फुलके बना के मैं रखने वाली हूँ अभी से, एंड देन हम लोग सारे एक साथ बैठ के खाना खा पाएंगे। सो फुलके बनाने का काम रह चुका है बस, बाकी सब कुछ हो चुका है। आप देखें ये बीन्स की सब्जी भी रेडी है, एंड ये कढ़ाई पनीर भी बहुत अच्छा बना है। एंड चने को खोल के देख लेते हैं एक बार कि हुआ है या नहीं, मुझे लगता है कि हो गया होगा। सो टोटल मुझे 55 मिनट्स लगे ये सारा काम करने के लिए। उसके पीछे ये रीज़न है कि चने ऑलरेडी भिगोए हुए थे मैंने। अगर आपके पास ऐसा कुछ ना हो तो आप मटर पनीर बना सकते हैं, राइट? मटर पनीर
कड़ी वाली सब्ज़ी भी चाहिए होती है पंजाबियों की थाली में ना, एक कड़ी वाली सब्ज़ी मतलब तरी वाली सब्ज़ी ज़रूर से चाहिए होती है। देन एक दो ड्राई सब्ज़ियाँ हो सकती हैं, दाल हो सकती है, मैंने दाल नहीं बनाई है। ओके चने ऑलमोस्ट रेडी हैं, पर इसको थोड़ा बंद ही रहने देंगे, थोड़ा अच्छी गाढ़ी सी हो जाएगी कड़ी। नमक चेक कर लेते हैं। नाइस। आप काले चने में पोटैटोज ऐड करते हैं? हमारे घर में तो हम लोग कर लेते थे मेरे ख्याल से। सो सैलड में मैंने थोड़े से चने भी ऐड कर दिए थे जो गोलगप्पे के हमारे पास लेफ्ट ओवर था, एंड थोड़ा सा इसको फैंसी बनाने के लिए थोड़ा पनीर के टुकड़े भी ऐड कर देंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी चाट मसाला, खूब सारा अच्छा लेमन, इससे ये बहुत डिलीशियस चटपटा सा सैलड बन जाएगा। हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा रौला मचा रहे थे एंड वो हेल्प कम करते रौला ज़्यादा मचाते, तो उनको मैंने कहा कि जाओ थोड़ा सैर सूर कर लो, जाओ कुछ फ़न करके आओ। एक्चुअली मैं ना तैयार हो गई थी, मुझे वीडियो शूट करना था, एंड देन हस्बैंड ने कहा कि वो आने वाले हैं तो जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाना है, तो फिर बनाना शुरू कर दिया मैंने। मेरी वीडियो स्किप होगी पर वो वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगी, शायद मैं आज शाम को शूट करूँ, हो सकता है। एंड दिस गाय इज स्पीकिंग, हे व्हाट यू पिकिंग, व्हाट यू, ओके कम डाउन, गिव मी लिटिल बिट हगी, लिटिल बिट पूछी, ओके सो नीड योर हेल्प। इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ आ किया लॉन्ड्री एरिया ये सुनो, इनू पौड़ियाँ च सुट सब तो पहला, ओके इनू हैंग कर, उन्होंने भी हैंग कर, ओ माय गॉड दिस इज सो क्यूट। गाइस हिम्मत के स्कूल में ना पिक्चर डे था और पिक्चर क्लिक की है, इसने बहुत प्यारी लग रही है, आई लव इट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई रियली लाइक दिस पोज, लुकिंग लाइक अ बिग किड। सेकंड थिंग सेकंड, पुट दिस इन अ शू क्लोजेट। मॉन्स्टर लोलो वाली आवाज़ें नहीं कटनी है, जल्दी आओ जल्दी, नेक्स्ट टास्क वेटिंग फॉर यू, आजा 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 आजा। ओ सॉक्स थे ए लाइक के, हु टोल्ड यू यू कैन पुट इट हियर, एंड दैट एंड दैट तेरिया नहीं है, दिस इज ऑल माइन, इट इज योर्स, ओए मेरी बुगड़ी क्यों, चलो ले जल्दी आ, नेक्स्ट टास्क इज वेटिंग फॉर यू। मैं ना हस्बैंड को दिखा के आती हूँ पिक्चर की, नहीं क्यूट आई है, ओ तेरे रूम च लेके जा, क्लीनिंग कर पुराने आन दे। ओके फॉर सम रीजन हिम्मत काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, आई डोंट नो व्हाई, एंड लेट्स इग्नोर हिम एंड कीप ऑन वर्किंग। सो हम लोग बना लेते हैं थोड़े से फुलके, यस देन वी विल बी फ्री। आज मैं कोशिश करूँगी कि सो डिज़र्ट के लिए ना पहले मेरा मन था कुछ बना लेते हैं, पर अब मैंने सोचा है कि रहने देते हैं, मेरे पास आइसक्रीम है उस पर ना फ्रेश मैंगो करके दूंगी मैं। सो हस्बैंड लेके आए थे फ्रेश मैंगो, पर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन किस्म के थे, पर अब उनको ना मैंने पेपर बैग में डाल के डार्कनेस में रख दिया था, अब वो काफ़ी मीठे हो चुके हैं। कल मैंने कस्टर्ड बनाया था, यहाँ वो फिनिश हो चुका है। सो आज मैंने सोचा कि मैंगो आज और बेटर हो गए होंगे, सो वो करते हैं। सो बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैंने कुछ खाना पीना बनाया है तो मैं सोचती हूँ कि इसके साथ ना हम रेडी टू ईट नान खा लेते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं कि कम काम हो जाए, पर बिकेज वो बहुत दिन से बाहर से खा रहे हैं तो उनको मेरा मन करेगा कि मैं ताज़ी फ्रेश रोटी दूँ घर की, ताकि अच्छा मज़ा आए, क्योंकि जब आप बाहर होते हैं ना तो घर की रोटी खाने के लिए मन करता है नान नूनी, इसलिए फिर मैं रोटी बनाने का प्लान बनाया मैंने कि रोटी बनाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत होती है रोटी बनाने में, इट्स ओके वी कैन डू इट। राइस बन चुके हैं, पर राइस ना बहुत प्यारे मज़ेदार नहीं बने, जब किसी के लिए आप राइस बनाओ ना थोड़े चिपक से जाते हैं, पर जब आपने खुद के लिए बनाने हो तो बहुत सुंदर कल्ले कल्ले मज़ेदार बनते हैं, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया, जब मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए उधरन कोई पंगा पड़ेगा। आपके साथ होता है ऐसे क्यों, मैं तो इतना जैसे आपकी स्किन वैसे तो बहुत मज़ेदार फ्लॉलेस रहेगी, पर जैसे आपको किसी पार्टी पे जाना है या कोई इवेंट है शादी है पिंपल्स निकल के आ जाएंगे, या फिर आपके बाल वैसे इतने फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल लगते हैं पर जिस दिन कहीं पे जाना है तो बाल स्टाइल ही नहीं हो पाते हैं, बालों को पता चल जाता है कि आज जैसे अच्छा दिखना है ना आज कुछ ना कुछ रॉन्ग करिए। वैसे जब किसी मेहमान ने आना हो तो वेजिटेरियन हो वो
तो पनीर सबसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। दो तीन किस्म का पनीर ही बना लो, जैसे आप कढ़ाई पनीर बना लो, तरी के लिए आप मटर पनीर बना लो, एंड ये सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाएगा लेस देन आवर में। क्योंकि अगर आप दाल मखनी या ऐसा कुछ बनाते हो उससे थोड़ा लंबा समय चाहिए अगर आपको वो स्वादिष्ट बनानी है, क्योंकि वो जितना अच्छा कड़ेगी अच्छी बनेगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कड़ी पर पकौड़ा बना लेती हूँ, पर उसमें बहुत समय भी जाता है एंड पकौड़े बनाने में भी टास्क एक अलग से टास्क जुड़ जाता है। हस्बैंड ने कहा कि तुम कढ़ाई पनीर ही बना लो। वैसे ना जब हमारे घर में मेहमान आते कढ़ी पकौड़ा मैं कभी नहीं बनाया, नेवर एवर। ओके, सो स्टोरी है कि जब मैं इंडिया में मेरी मम्मी के साथ, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, 20 हुई थी मैं, पर जब तक मैं 20 हुई थी तब तक मैंने मेरे घर में कभी कुछ कुक नहीं किया था, कुछ भी नहीं, मतलब बस रहा समचाचू या मैगी। मेरी मम्मी मुझसे घर का काम नहीं करवाती थी, अच्छी थी वो, बहुत प्यारी, वो गरी कर लो मज़े जड़े करने, पर अगर वो कभी करने के लिए कहेंगी भी तो मैंने आंदा ही नहीं से करना कुछ भी। एक बार मैं मेरी एक कज़न के घर में गई एंड कज़न के घर में बेबी हुआ था, ऐसे मैं उसके घर में रहने के लिए चली गई उसके बेबी के साथ। तो उसको, उसके बेबी को और उसको देखने के लिए बहुत लोग आया करते थे। तो उसके मदर इन लॉ ने ना, क्योंकि वो 1 month के लिए बेड पे थी, बेड पे उठते नहीं है 1.25 महीने के लिए, तो उसकी मदर इन लॉ ने सब्जियां बनाई और मुझे कहा कि चलो तुम रोटी बना दो, आके मुझे करी रोटियां ला दे। मैम मुझे तो नहीं आता। कहीं कोई बात नहीं, जैसा कैसा भी कर दो तुम। मैंने कहा कि ओके। कह रही कि काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि 25-30 रोटियां बना दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रोटी बनाऊँ, कैसे बनाते हैं, लाइक कैसे कुक होगी, मैं बहुत बकवास, पर मैं मना भी नहीं कर सकती थी, है ना बेचारी ओल्ड लेडी। मैं क्या मना की करना, बना देना, पर मैंने ना ऐसे कैसे सड़ी बड़ी रोटियां बना दी और उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा बैड फील हो रहा था कि जब वो खाएंगे कैसी लगेंगी उनको रोटी, अजीब सी है, होंगी शायद गोल पर कच्ची पक्की पता नहीं कैसी थी, बकसूरत सी थी, जैसे खूबसूरत नहीं थी। मैंने बना दी खूब सारी टेरा ना टेर रोटियाँ, उसने मुझे ना अकेले किचन में छोड़ दिया। मैं सोचा और आके बैठी थी इतने कोई काम ही कर ले, सो मैंने बना दी थी पैंती बकवास रोटी, और जब वो खा रहे थे ना मुझे एम्बैरस हो रहा था कि ये अब पता नहीं क्या करेंगे, पर वो बहुत आराम से आराम आराम ने खा गए, नोबडी केयर कि कैसी बनी है रोटी। ओके, एक और चीज़ बताती हूँ आप, रोटी की जो खूबसूरती है, लाइक राउंड हो, पतली हो, इवन साइज़ की हो और अच्छी तरह कुक हुई हो रोटी, ये हर एक के बस की बात नहीं है। हर एक की रोटी खूबसूरत नहीं होती है, पर मेरी मम्मी की रोटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती थी, एकदम गोल, एकदम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए उस पर, इवन लाइक परफेक्ट रोटी थी। इसलिए मुझे लगता था मेरा वो रोटी का जो लेवल था कि रोटी कैसी दिखनी चाहिए, बहुत हाई था। पर उसके बाद मैंने बहुत लोगों की रोटियां देखी बेकार सी होती हैं, लाइक कोई छोटी, कोई टेढ़ी, कोई छोटी सी, कोई कच्ची, कोई कैसी, हर एक की रोटी गोल एंड परफेक्ट नहीं होती। तो मुझे लगा कि या ओके, उन्होंने मेरी रोटी ठीक लगी, बिकॉज नोबडी केयर्स, राइट। मम्मी जितनी परफेक्ट रोटी किसी और की नहीं है, तो मेरी रोटी भी खूबसूरत है मुझे लगता है, आप बताना आपको लगता है कि नहीं। फिर या धीरे धीरे प्यारी रोटी बनानी आएगी, देखो कितनी खूबसूरत है, राइट। जितनी भी मेरी रोटियां होंगी सारी सेम साइज़ की होंगी और ऐसी ही खूबसूरत दिखेंगी, और मैं दुआबे से हूँ और ये हमारी तरफ सीधा पासा होता है। यस, इस पे थोड़ा सा घी लगा देते हैं। लुक एट द परफेक्शन गाइस, सच अ ब्यूटीफुल रोटी। हमें 5 मिनट चाहिए साइलेंट के इस रोटी को सलामी देने के लिए। रोटियां मुझे लगता है मैं डन। खाने को परोसने का समय आ जाता है, और ज़्यादा फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं में वाइट में ही कर लेते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं लंच ही है। वैसे पहले मैं सोच रही थी जो अदर मेरे डिनर सेट है उसमें कर ले, पर आई थिंक वाइट बर्नर लुक क्यूट, वाइट बोल्स, इन्हीं में डाल लेते हैं। जल्दी से सर्व करके आपको दिखा देती हूँ, एंड देन आई डोंट नो इफ आई एम गोना शूट एनीथिंग और नो। पहले बीन्स की सब्जी ऐड करेंगे, तो ये है चने की करी, बीन्स एंड आलू की सब्जी, रायता, मटर के पुलाव, एक्चुअली इतने बुरे नहीं है जितना मुझे लग रहा था,
एंड सैलड, चना का सैलड एंड इसमें लेटस है, क्यूकम्बर है एंड बाकी सारी चीज़ें, कढ़ाई पनीर एंड फुलके. सो वी आर डन. सो सारा कुछ तैयार हो चुका है, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग चुकी है. उम्मीद है कि वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, उन्होंने कहा है कि वो 10 मिनट में आने वाले हैं. सो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं. कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा से आपके साथ बातचीत करूँ, गुफ्तगू करूँ लेटर. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना कमेंट बार में अपने प्यारे प्यारे से कोई विचार. मैं आपके साथ डिज़र्ट लेटर से चुपके से शेयर करूँगी. सो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे से कमेंट कमेंट बार में छोड़ें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ. अगर आपके पास कोई प्यारी सी रिक्वेस्ट है वो भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं, उस पर ज़रूर से काम किया जाएगा. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, उससे मुझे बहुत मदद मिलती है. जल्दी मिलती हूँ, आई लव यू गाइस, बाय बाय. I'm not afraid to die.